लाजवाब टेस्ट का एक ही नाम हल्दीराम। पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। नदी किनारे से 11,18,700 रुपए का मुद्देमार किया जब्त। सभी आरोपी फरार। कादा पुलिस थाने में मामला दर्ज। उन्नीस नवंबर 2022 को पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कारकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में कादा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक थोरात, सहायक पुलिस निरीक्षक चाबुकसवार, पुलिस उप निरीक्षक नौखरे, पुलिस हवालदार बोरकर, पुलिस अमलदार गाढ़वे, बूधे, कराड़े, झंझाड़, पुलिस पाटिल तिड्डी, कुंभलकर और रंगारी इनकी मदद से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर वैनगंगा नदी में बोट की सहायता से वैनगंगा नदी के किनारे के टेके पार, तिड्डी, मका ढोकड़ा, सिरस घाट में मोहफुल शराब, प्लास्टिक, लोहे के ड्रम ऐसे 11,18,700 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। शराब बनाने वाले आरोपियों का नाम मुजबी निवासी आकाश मेश्राम, उम्र 35 वर्ष, टेके पार निवासी रुपेश शेंडे, उम्र 33 वर्ष, सिरस घाट निवासी रवि मेश्राम, उम्र 38 वर्ष, मका ढोकड़ा निवासी अशोक जगनाड़े, उम्र 50 वर्ष, गणेश मारुति जगनाड़े, उम्र 36 वर्ष, आंबाड़ी निवासी सुरेंद्र कड़म्बे, उम्र 38 वर्ष, रमन शालिक भूरे, उम्र 30 वर्ष, गिरोला निवासी स्वप्निल कान्हेकर, उम्र 30 वर्ष का समावेश होकर सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कादा पुलिस स्टेशन में धारा 65 और विविध मामले में गुना दर्ज किया गया है।